हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिक्स विलेन मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि ईटैप्स की बैच लॉन्च होने वाली है। ईटैप की बैच, अगर आप सब स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें ईटैप की बैच के अलावा भी आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि क्या क्या चीज हमें सीखना चाहिए। अगर आप सीख नहीं रहे हैं या सीख रहे हैं तो आप सिलेबस ले लीजिए मेरे से कि एग्जैक्ट क्या क्या सीखना चाहिए, ये तो हमको पता होना बहुत जरूरी है। कई लोगों को पता नहीं होता कि ईटैप में क्या सीखना चाहिए और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है ईटैप में, इसका तो आइडिया ही नहीं रहता है। हमने एक ट्यूटोरियल यहां से देख लिया, एक चलो यहां से देख लिया, बट कंफर्मेशन कब आएगा, यहां पे कॉन्फिडेंस कब आएगा, इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बारे में मैं एक पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। एक कोर्स में लाइव पढ़ा रहा हूं, ये नहीं कि मैंने ट्यूटोरियल बना के आपको दे दिया, नहीं, मैं लाइव पढ़ा रहा हूं। इसमें आप सारा का सारा कुछ क्लियर कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। जैसे कि लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे ईटैप में क्या क्या सीखना चाहिए, इंपोर्ट करना, चलो ये तो बहुत छोटी बात है, ठीक है। डायनेमिक एनालिसिस, ये क्या होता है? डायनेमिक में दो पार्ट होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर, ये क्या होता है? पुश ओवर एनालिसिस क्या होता है? टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्या होता है? रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या होता है? पी डेल्टा एनालिसिस क्या होता है? ये सब कुछ मेरे कोर्स के कंटेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप जो बीम यूज करो, बीम का साइज क्या यूज करना चाहिए, डेप्थ क्या यूज करना चाहिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है, एसएफटी बीएमडी कैसे चेक करेंगे, मैनुअल एसएफटी बीएमडी और सॉफ्टवेयर का एसएफटी बीएमडी कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे देखेंगे, मैनुअल बिल्डिंग डिजाइन और सॉफ्टवेयर का मैनुअल बिल्डिंग डिजाइन का जो रिजल्ट है कैसे उसको हम लोग रीड करेंगे, अच्छा इनमें दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, कैसे देखेंगे, ये सब कुछ हमारे ईटैप के कोर्स में है। मैं ईटैप में सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के टूल्स नहीं पढ़ाता, क्योंकि टूल्स तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, मैं टूल्स के साथ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता हूं। जिसको भी स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, जिसको कागज की डिग्री नहीं कि मैंने ईटैप सीखा है वो वाला नहीं, जिसको सच में स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, जिसको सच में ईटैप का फुल नॉलेज चाहिए, ईटैप के साथ उसके बैकग्राउंड का नॉलेज चाहिए, बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बैकग्राउंड में आप लोग कंफ्यूजन में रहते हो कि क्या क्या चीजें मुझे सीखनी चाहिए, बैकग्राउंड में आपको सीखना चाहिए कि आप मैनुअल डिजाइन कैसे करोगे, बैकग्राउंड में आपको सीखना चाहिए कि स्टेयरकेस का लोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वाटर टैंक का लोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हम लोग वहां पे सोलर पैनल लगाते हैं सोलर पैनल का लोड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैसे करेंगे, साइट सिलेक्शन। मैं केवल और केवल ईटैप पे ही पूरा का पूरा, हमारा कोर्स ईटैप बेस्ड नहीं है, हमारा कोर्स स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑटोकैड की फाइल को यहां पे कैसे लाना है, अगर पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको करना है, यानी आपको अपना ऑफिस खुद का खोलना है, तो ऑफिस खोलोगे तो क्या क्या चीजें ध्यान देना चाहिए, साइट सिलेक्शन, एरिया कैलकुलेशन, जनरल डाटा में कौन कौन से डाटा हमको याद रखना चाहिए, एस्टिमेशन, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, इन सब में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या एडवांटेज होने चाहिए जो कि आपके लिए यूजफुल होगा, ये सारा कुछ मैं अपने इस कोर्स में डिस्कस करता हूं। ना केवल इतना ही, इसमें हम लोग, ये भी हमारी कोशिश रहती है कि आपको मैं कम से कम फोर टाइप्स का तो जनरल बिल्डिंग्स करना ही करना है, कौन कौन सी, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एक कॉमर्शियल बिल्डिंग्स और एक हॉस्पिटल बिल्डिंग, एक स्कूल बिल्डिंग्स, इतने टाइप्स के बिल्डिंग्स हम लोग करते हैं। और इतने टाइप्स के बिल्डिंग करने के साथ ही साथ हम लोग 10 से 15 रेसिडेंशियल छोटे छोटे बिल्डिंग्स को एनालिसिस के टाइम पे सीखते हैं। इससे क्या होता है, लगभग 15 से 20 टाइप के हम लोग बिल्डिंग्स की एनालिसिस कर लेते हैं प्रॉपर, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें चाहिए। और साथ ही साथ लास्ट में हम अपने कोर्स के लास्ट में आपको बेसिक सिविल का पूरा सेट देते हैं, यानी कितना कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन कहां कहां से निकाले जा सकते हैं सिविल में। आप सोचते हो कि बेसिक सिविल कितना बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा है, लेकिन उस बेसिक सिविल का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है जो मेरी अपकमिंग बुक होगी, तो उस शॉर्ट नोट्स को भी मैं आपको इस कोर्स के साथ में देता हूं, जिसमें आप लोग समझ सकते हो कि टाइप्स ऑफ सब लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, IS 800 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, IS 456 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, IS 456 में और सॉरी IS 875 में कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, IS 1893 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबका मैंने शॉर्ट नोट्स निकाल रखा है, वो सब कुछ बेसिक सिविल की एक मेरी बुक होने वाली है, तो वो कंटेंट भी मैं इसके साथ आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। तो मतलब मेरी कोशिश बस ये है कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने मत आना, आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, अगर सच में ईटैप में क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या चीजें मुझे सीखनी चाहिए, ये सारा कुछ जानना चाहते हो, तो जल्दी से कोर्स को रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि कोर्स सैटरडे से, इस सैटरडे से आपको 9 मई से स्टार्ट हो जाएगा, और अभी उसमें लगभग 7 या 8 सीटें बुक हो चुकी है, और लगभग 7 से 8 सीटें और है, तो जल्दी जल्दी से बुक कर लीजिए और बुक करके आप लोग बता दीजिए कि आपको सीखना है। और साथ ही साथ ऐसे भी कई लोग होंगे जिनको स्टैट प्रो सीखना होगा, स्टैट प्रो की बैच मेरी फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है, अपकमिंग फ्राइडे से, और सैटरडे से आपकी बैच स्टार्ट हो रही है ईटैप्स की, तो आपको फ्राइडे से करना है तो स्टैट का भी कर सकते हो, और ईटैप का करना है तो आप सैटरडे से कर सकते हैं। और इसमें फायदा यह है कि मैंने कोर्स का बहुत ज्यादा फीस नहीं रखा, एक्चुअली फीस तो इसका 15,000 है,
चाहे स्टैट का चाहे ईटीएफ का, क्योंकि मेरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें पूरा का पूरा मैनुअल्स है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी कोरोना की वजह से लोगों के पास फंड की प्रॉब्लम थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज में आपका ईटीएफ कंप्लीट कोर्स करके दे रहा हूं मैं आपको, और ना केवल 5,000, इवन 5,000 में स्टैट प्रो भी आपको दे रहा हूं, तो सिर्फ 5,000 दोनों लग रहे हैं। तो और दोनों कोर्स को एक साथ करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिल जाता है कि आपको सिर्फ 9,000 का मिलता है, मतलब 1,000 का उसके बाद भी ऑफ मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, उसको अच्छे से सीखते हो, तो आप ईटीएफ ही नहीं स्ट्रक्चर इंजीनियर आप खुद को करने लायक बन जाओगे। मैं अपने बच्चों से पूछता हूं, मेरे बच्चे भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनसे मैं पूछता हूं कि आपको क्या अभी यहां से लगता है क्या कि मैंने सीख लिया है, मैंने डिजाइन कर लिया है? जब तक उनको यहां से नहीं लगता तब तक मैं उनको सिखाता हूं कि यार अभी नहीं सीखा है। लगना चाहिए कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो कैसे किसी को डिलीवर करना है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करना है, प्रोजेक्ट में लोड किस तरीके से लगाना है, कौन कौन से आईएस कोड लगाना है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स देखना है, डिफ्लेक्शन कौन सा देखना है। सॉरी मैं तेज बोलता हूं क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से वीडियो को बनाना होता है, क्योंकि अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो कई लोग स्किप करके चले जाते हैं, इसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी से कंटेंट को देना पड़ता है, चाहे तो आप वीडियो को स्लो कर देना चाहे तो दोबारा देख लेना। बट अगर आप ईटीएफ सीख रहे हो या ईटीएफ सीख चुके हो तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि आपको ग्रिड बनाना आता है, कि आपको टाइम स्ट्री एनालिसिस करना आता है, क्या होता है टाइम स्ट्री एनालिसिस ये समझ में आता है, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस आता है क्या, पुश ओवर एनालिसिस आपको आता है क्या, लीनियर स्टैटिक और नॉन लीनियर स्टैटिक में डिफरेंस क्या होता है, विंड एनालिसिस आपको कोड के अकॉर्डिंग आता है क्या, बेसिक विंड स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे मैनुअली मेरे सॉफ्टवेयर में, जो मेरा कोर्स है इस कोर्स में हम लोग बताते हैं कि विंड का प्रेशर मैनुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेस्मिक का प्रेशर मैनुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर वीवी K1 K2 K3 अगर विंड प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है तो वीवी क्या होता है, K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, K3 क्या होता है, मैं पूरे डीप में जाके समझाता हूं। तो मेरे कोर्स में यही सब फायदे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे से सिलेबस ले लीजिए। सिलेबस लेने के लिए कुछ नहीं करना, आपको व्हाट्सएप करना है 9792621121। जिसको सच में सीखना रहेगा उसको खुद ही सर्च करके आ जाएगा। और सीखना नहीं भी है, आपने सीखा हुआ है, आपने अपने आपको क्रॉस चेक करना है, तो सिलेबस मेरे से ले जाओ और क्रॉस चेक करो कि मुझे ये चीज आती है क्या। अगर नहीं आती है तो बोलो सर ये चीज नहीं आती है, फिर आप बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का उसमें मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने अभी इस बैच से देना स्टार्ट किया है। उसमें बेसिक के जितने कंटेंट रहेंगे IS456 IS800 सीयर वॉल में ऐसे ही बता, सीयर वॉल को मैं पूरा बेसिक बताता हूँ। बेसिक बताने के बाद फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस करवा के दिखाता हूँ। रिटेनिंग वॉल को पहले मैं बेसिक बताऊंगा फिर बेसिक बता के उसको डिजाइन करवाऊंगा। तो जितने भी टॉपिक होंगे सबकी बेसिक्स और बेसिक्स के साथ डिजाइनिंग जब आपको यहाँ पर लगे नहीं अब अपन कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट देगा तो हम स्ट्रक्चर की डिजाइन करके देंगे, इसकी गारंटी देता हूं कि आप 100% कर सकते हैं अगर आपने 95% अटेंडेंस कम से कम दे दिया तो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो हम इस कोर्स में मुझे मैं आपको दे रहा हूं वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब आप आज कर लिए ठीक है, अभी जब प्रैक्टिस करने आप बैठते हो तो आप भूल जाते हो कई चीजें, कई कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूं। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, आप क्लिक करते हो, जो जो चीजें आपको भूली रहती है, जो भी चीज इसकी प्रति है, आप उसको दोबारा देख पाते हो। तो ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है। और ना केवल दोबारा, आप लाइफ में कभी भी आप भूल गए इस टॉपिक को, आप जाइए फिर से ईटीएफ के कोर्स को देखिए, आपके सारे वीडियोस आपके पास पड़े रहेंगे, आपके पास खुद डाउनलोड होकर रखे रहते हैं, उनको देखिए और देखिए आप फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो कभी भी इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू में जाने से पहले आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें मेरी खुद की नोट्स भी मिलती है, जिसमें नोट्स में आपको स्टेप वाइज लिखा रहता है कि कौन सी चीजें कैसी करनी है। तो पूरा फंडामेंटल मैंने देने की कोशिश की है। एक बार आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके आपको खुद ही समझ आएगा कि हम कुछ अलग दे रहे हैं, इसीलिए मैंने खुद को यूनिक बोला और अपने चैनल को भी यूनिक बोला कि हमारे चैनल पे कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो किसी के थ्रू कॉपी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। स्टैट प्रो फ्राइडे और सैटरडे को आपका ईटीएफ का कोर्स है, दोनों का फीस कितना है 5,000 है, दोनों का आप सिलेबस ले सकते हो मेरे साथ, दोनों को अच्छे तरीके से सीख सकते हो। वंस अगेन जय हिंद जय भारत। और कमेंट में भी यार जय हिंद जय भारत लिखा करो, अगर आप इंडियन हो, सच्चे इंडियन हो, तो जय हिंद लिख के जाना।